वीडियो में हम कांस्टेंट को मजीद समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल से, एक इलस्ट्रेशन से। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। बल्कि हम इसको एक काम करते हैं कि इसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक नॉर्मल सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट है। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू की जिसकी मुझे अपने मेन फंक्शन में बार बार जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को मैं क्या करूँगा कि मेन फंक्शन से पहले डिफाइन करूँगा। उसके लिए यहाँ पर हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम हैश डिफाइन कहते हैं। हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कि खास तौर पे किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है पाई। एक हमारे पास मैथमेटिक्स में एक वैल्यू इस्तेमाल होती है, इसको पाई कहा जाता है, जो कि कांस्टेंट होती है 3.14। अब मुझे अपने इस मेन फंक्शन के दौरान कोई वेरिएबल पाई के नाम से डिक्लेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और ना ही मुझे बार बार पाई का फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। बल्कि मुझे जब भी पाई की वैल्यू यूज़ करनी होगी तो सिंपल वहाँ पे मैं पाई लिखूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि पाई दरअसल एक कांस्टेंट वैल्यू है, और उसके अंदर हमने इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए इसको पहले से डिफ़ाइन कर दिया गया, और अब हमें इसे बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो ठीक तरह से हमारे मेन फंक्शन ने एक्सेप्ट की है या नहीं की। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हम इस पाई की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू। अब चूंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है, तो इसलिए क्योंकि इसमें डेसिमल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे वो होगा परसेंट एफ कॉमा, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने इसका नाम रखा था पाई, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और आखिर में हम इसके सेमीकॉलन लगा देंगे। अब अगर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, आप देखें कि इसके अंदर जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे शो हो रहा है द वैल्यू ऑफ पाई। ये प्रिंट हो रही है वैल्यू, वो प्रिंट हो रही है 3.14, जो कि हमने अपने स्टार्ट में डिफाइन की थी। अब हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, और उसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे पाई की वैल्यू क्या किरदार अदा करती है। अब सर्कल का जो एरिया होता है, अगर हम उसको देखें तो एक सर्कल जो है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कहते हैं कि इसके सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी सर्कल का रेडियस पता हो, आर की वैल्यू अगर हमें पता हो, तो हम इजिली उसका पूरा जो उसका एरिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया का सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा। वो ये है कि एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर। इस फार्मूले की मदद से हम सर्कल का जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम इस एग्जाम्पल में इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इसके लिए हमें पहले दो वेरिएबल चाहिए होंगे, जिनकी टाइप होगी फ्लोट, और एक का नाम हम रखेंगे एरिया, जिसके अंदर हमारी एरिया की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी कॉमा, और एक वेरिएबल है उसका नाम हम रखते हैं रेडियस। और ये दो वेरिएबल हमें फिलहाल चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, जो कि यूज़र को गाइड करेगी कि वो अपने कीबोर्ड से रेडियस एंटर करे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, और इसके नीचे हम इनपुट स्टेटमेंट जो होती है हमारी स्कैन एफ, वो हम लिखेंगे। अब चूंकि फ्लोट वेरिएबल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे परसेंट एफ कॉमा, एंड एड्रेस के लिए जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ रेडियस वेरिएबल, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो उस रेडियस वेरिएबल में जाके स्टोर होनी चाहिए। अब जब हम रेडियस की वैल्यू इनपुट ले लेंगे, उसके बाद हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस
क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इसलिए हम रेडियस को यहाँ पे दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में सेमी कॉलन। अब हमने क्या करना है कि एरिया, जब ये फार्मूला काम करेगा, पाई की वैल्यू 3.14 जो वैल्यू हम एंटर करेंगे रेडियस की, वो आपस में तमाम मल्टीप्लाई होकर एरिया में स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास द एरिया इज इक्वल टू, अब चूंकि एक्सपेक्टेड यही है कि हो सकता है कि वो एक फ्लोट वैल्यू हो, तो हमने इस वेरिएबल की टाइप चूंकि फ्लोट रखी थी, तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ इस्तेमाल करेंगे, कॉमा और उस वेरिएबल का नाम जिसकी हमने वैल्यू प्रिंट करवानी है, हमने एरिया की वैल्यू प्रिंट करवानी है और आखिर में इसके सेमी कॉलन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम एक स्केप सीक्वेंस स्लैश एन ऐड कर लेते हैं न्यू लाइन, ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट प्रिंट की स्टेटमेंट है वो एक न्यू लाइन में प्रिंट हो। अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। लेट सपोज अगर हम सर्कल का रेडियस मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एंटर करता हूँ 45, सर्कल की रेडियस की जो वैल्यू है वो 45 है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखें यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो गया 6358.5। ये एरिया की जो सर्कल का एरिया था वो हमने कैलकुलेट किया और वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब इसके अंदर बात जो हमने समझनी है वो ये है कि इसके अंदर जो पाई कांस्टेंट की वैल्यू है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। आपने देखा कि पाई जो है वो मैंने मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, कहीं पे भी इनिशियलाइज नहीं किया, बल्कि हमने इससे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन के जरिए यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट में डिफाइन कर दिया। अब हम आगे अपना पूरा अगर कोड लिखते जाएंगे तो जहां कहीं पे भी हमें पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हम सिंपल वहां पे पाई लिख देंगे और हमारा वहां पे आंसर आ जाएगा और वहां पे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने ये चीज सीखा कि किस तरह से हम एक कांस्टेंट वैल्यू को एक अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, और जो खास तौर पे यहाँ पे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन के बारे में पढ़ा, जो कि खास तौर पे किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है।